मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आज हम जंगल और जनकपुर बाल राम कथा चैप्टर 2 क्लास 6 के प्रश्न उत्तर करेंगे। जंगल और जनकपुर के प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, राम लक्ष्मण ने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा कैसे की? राम और लक्ष्मण ने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा की उनके यज्ञ की रक्षा की किस प्रकार की? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जाने की जिद करते हैं। विश्वामित्र के नहीं मानने पर राजा दशरथ ने प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ वन में भेज दिया। दोनों क्योंकि छोटे हैं तो कह रहे हैं कैसे जाएंगे। प्रश्न संख्या दो, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने रात को कहाँ विश्राम किया? उत्तर, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने सरयू के तट पर विश्राम किया। आपने पढ़ा भी है ना, वो लोग सुदूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे, फिर शाम ढल गई तो उन्होंने वहीं पर विश्राम किया और राम और लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की 2 विद्याएँ भी सिखाई। अगला प्रश्न, अनुष्ठान कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। अनुष्ठान में 5 दिनों तक किसी तरह की कोई बाधा विघ्न नहीं आया। अगला प्रश्न, जंगल और जनकपुर पाठ में राम ने कौन सी राक्षसी का वध किया? महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें रास्ते में बताया था ना, ये ताड़का वन है और क्यों इसका नाम ताड़का पड़ा। रात हो गई थी इसलिए तीनों ने संगम पर बने एक आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन सुबह ही नाव से गंगा पार की। आगे घना जंगल था, उस जंगल में राक्षसी ताड़का रहती थी। महर्षि की आज्ञा मानकर राम ने ताड़का का वध किया। अपने गुरु से पहले आज्ञा ली, फिर उन्होंने धनुष की कंकार छोड़ी। प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाई और धनुष की कंकार सुनी, गुस्से में आग बुलबुला राक्षसी ताड़का उनके सामने आ गई और राम ने उनका वध कर दिया। अगला प्रश्न, विश्वामित्र ने रास्ते में सोने से पहले कौन सी विद्या सिखाई? रात में जब वो सोने वाले थे उससे पहले कौन सी विद्या सिखाई? महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। इन्हें सीखने के बाद कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकेगा, प्रहार आक्रमण, उस समय भी जब वे नींद में हों। ये ऐसी जगह होते हैं तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब नींद में होते हैं तो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी विद्या थी जब आप सो रहे होंगे तब भी, जिससे आपकी रक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न, सुंदरवन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ा? पहले सुवन का नाम क्या था? सुंदरवन। ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। ताड़का वास्तव में कोई राक्षसी नहीं थी बल्कि एक यक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह सुन नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदरवन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारिच के साथ रहती थी। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से सुंदरवन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। वास्तव में वह एक राक्षसी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पति राक्षस था इसलिए उसके अंदर भी वही प्रवृत्तियां धीरे धीरे आ गई थी राक्षसी। 2 पुत्र थे सुबाहु और मारिच और बल तो इतना था जितना बल 1000 हाथियों में होता है, इसीलिए सुंदरवन का नाम ताड़का वन पड़ गया। अगला प्रश्न, ताड़का वन कब भयमुक्त हो गया? नियति की इस बात को 3 युग में श्री राम ने पूरा किया और अपने एक तीर से राक्षसी ताड़का का वध करके उसे अप्सरा के रूप में बदल वापस ला दिया। राक्षसी ताड़का से एक सुंदर अप्सरा बनकर स्वर्ग की ओर चली गई। उसके बाद ताड़का से जन्मे उसके 2 पुत्र मारिच और सुबाहु का वध भी श्री राम के हाथों हुआ और वे दोनों मुक्त हुए। वास्तव में वह एक श्रापित कन्या थी, यक्ष कन्या भी थी और श्रापित भी थी, लेकिन जैसे ही श्री राम ने उस पर बाण चलाया वह उस श्राप से मुक्त हो गए और फिर से अप्सरा के रूप में आ गए। महर्षि विश्वामित्र ने अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? जो अनुष्ठान का अंतिम दिन था, 5 दिनों तक तो अनुष्ठान बिल्कुल सही सलामत चलता रहा, उस दिन क्या हुआ? अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारिच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। सुबाहु मारिच ने क्या
राक्षसों के साथ उस आश्रम पर ही धावा बोल दिया। पूर्व जन्म में तारका कौन थी? तारका सुकेतु यक्ष की पुत्री थी जो एक सांप के प्रभाव से राक्षसी बन गई थी। उसका विवाह सुंद नाम के दैत्य से हुआ था। तारका के दो पुत्र थे, उनका नाम था सुबाहु और मारिच। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 दो वरदान के प्रश्न उत्तर और सारांश और कठिन शब्दार्थ करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।